ये है हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल चौधरी बाबूराम जी। पहले अपने ऑफिस में नहीं टीचर्स रूम में जाते हैं ये देखने के लिए कि प्रभा मैडम आई है या नहीं। लगता है अभी प्रभा मैडम आई ही नहीं। लीजिए प्रभा मैडम भी आ गई। ये इस कॉलेज में संस्कृत पढ़ाती है। जैसे ही ये ऑफिस के सामने से गुजरेगी देखते हैं क्या होता है। अब चौधरी साहब सीधे टीचर्स रूम में जाएंगे। अरे ये क्या, यहाँ तो शर्मा जी पहले से ही बैठे हैं। ये हैं हमारे कॉलेज में हिंदी साहित्य के प्रोफेसर मिस्टर सुरेश चंद शर्मा। प्रभा जी को देखकर ये सब कुछ भूल जाते हैं। चौधरी साहब आते होंगे, देखें क्या होता है। शर्मा जी आप यहाँ बैठे हैं क्लास अटेंड नहीं करने की? सर जी अभी 10 मिनट है, सुबह सुबह प्रभा जी से बात कर लूं तो सारा दिन माइंड फ्रेश रहता है। अच्छा तेरा माइंड तो फ्रेश हो जा और मेरा जो अपसेट हो जा। क्या कहा सर? अच्छा प्रभा जी भूलिएगा मत, मैंने जो कहा था रात को आराम से विचार करिएगा। अरे आप कहाँ चली मैडम? सर लेक्चर का टाइम हो गया है। अभी कहाँ, अभी तो आधा घंटा बाकी है, बैठिए मुझे आपसे कुछ पूछना है। सर पीरियड के बाद बात करेंगे ना। बैठिए मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी। ये है मिस्टर नरेंद्र यादव, प्रभा जी मेरा मतलब मैडम जी के पतिदेव और कॉलेज में क्लर्क हैं। प्रभा एक बात सुनना। ये कौन बदतमीज है यादव, तुम इन्हें यहाँ मैडम कहा करो, यहाँ इन पर सबका बराबर का हक है। जी सर। आप अपने केबिन में चलिए, बच्चों की लाइन लगी है, फार्म जमा कीजिए। सर एक बात करनी थी मैडम से। बाद में यादव जी बाद में। इनका नाम है चक्रेश जैन। धन दौलत और दोस्तों की इनके पास कोई कमी नहीं है। जिंदगी की हर दौड़ ये पैसों से जीतते आए हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती करना। यार ये एडमिशन फॉर्म कहाँ जमा हुए? अरे यार इतनी लंबी लाइन। ये है जनाब समर खान, थर्ड ईयर के स्टूडेंट, इसीलिए टीचर से अच्छी जान पहचान है। कॉलेज से संबंधित आपका कोई भी कार्य हो, एडमिशन फॉर्म, आई कार्ड, एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह वगैरह, इनका मानना है अगर दौलत ताकत पास है तो लोग पूछते हैं यार कैसा है। यार मुझे एडमिशन फॉर्म जमा करवाने हैं। हाँ हाँ समझ गया। ए गुरु 500 में नहीं होता, और निकाल। बैठ अभी आया, तू सीधा। यार चक्रेश मारा क्या होगा? तुम थोड़ा लाइन का मजा ले लो। यार तू तो बड़ा बेदर्द इंसान निकला। जल्दी करो वरना लाइन और लंबी हो जाएगी। यार तेरे पास हमारे लिए पैसे नहीं है? यार आज तो फिल्म भी देखनी है, जल्दी करो। जाओ जाओ फिर सबको फिल्म दिखाऊंगा। ये है श्रीमान जयंत महोदय। जिंदगी की हर अच्छाई पाना चाहते हैं पर रास्ता नहीं जानते। ओलंपिक में दौड़ना चाहते हैं, इसीलिए पढ़ाई लिखाई के मुकाबले कसरत पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं। Thank you.
ए मिस्टर, पीछे आइए, सीधे जा रहे हो? यार इसके पीछे लग जा, सब सिखा दे। क्या बकवास है ये? मैडम लाइन में लगने की बात कर रहे थे, आपके पीछे लगने की नहीं। इनकी तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इनका नाम है सुभाष मलिक। इनके पिता गांव के नामी पहलवान हैं। वो कहावत है ना, माँ पे धी पिता पे छोरा, घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा। हाँ पूरे पहलवान तो नहीं, पर पिता का असर तो जरूर है। इनके सब काम दादागिरी से होते हैं। यार सुभाष, ये तो फिल्म की लाइन को फेल कर रही। कुछ सोचना पड़ेगा। मुझे लगे कोई सी हीरोइन आ रही दिखे। कोई बात नहीं, हीरो तो अब आया है। ए मिस्टर, पीछे आइए। किसके पीछे? तेरे पीछे? तू कहीं की मैं गुरु संभाल के। जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, लाइन में आइए। हम आवा लाइन में? ये भतेरे लग रहे लाइन में, इन्हें देख ले। ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ तो ऐसा ही चले और ऐसा ही चल रहा और ऐसा ही चलेगा। मैं कहती हूँ पीछे आइए। फिर पीछे पीछे, पीछे पता नहीं के धरा, काम तो हमें आगे। ओ हीरो, हम भी खड़े हैं यहाँ से। अरे हाँ, यू भी खड़ा भाई लाइन में, जब भी देख लो। पाँच थक गए हो तो खाट मंगवा दूँ, लौट जाइए। अच्छा ज्यादा बोल रहा भिड़ू के। तू थमी से तो मैं ही देखूंगा और बोल लेगा। अरे होश में रहिए। आ गया होश। अबे किस किस को मारेगा तू? तू अपनी बता। चक्रेश को आ जान दे। अरे तुम्हें सब ही ना बता दूं मैं। आउच। लगी पता। तू आज पहली बार आ दिखे। आए तो हमें 20 साल हो लिए, पर तू आज पहली बार देख रहा है। यहाँ ऐसा ही चलता है यार, ऐसा ही चलेगा। मुझे बताना पड़ा दिखा। बहुत में बताइए, पहले मेरी सुन। अरे सब क्या हो रहा है? अब सांप सूंघा सबको। नूनी मन्नू मैं। बताइए कौन था? ये ना बतावे, ये ना डरे आपसे। ये तो शर्मा जी आपसे भी ना डरे। तो मैं ही कहते डरूं। शर्मा जी आप क्लास में चलिए। नू तो ना छोड़ दूं मैं। बोलिए किसने किया था ये सब? तुमने? नहीं गुरुजी, मैंने कुछ नहीं करा। भिड़ू के परस भी ले। ध्यान रहे, ये मेरा कॉलेज है, मेरे सिवाय कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता। चलिए सब। ए तुम जाओ, तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता। पर गुरुजी मेरा एडमिशन क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा ना नहीं हो सकता। तुमने कॉलेज में आते गुंडागर्दी शुरू कर दी। मैं ऐसे बच्चों को कॉलेज में नहीं रख सकता। मैं तो अपना फार्म जमा कर रहा था जी, गुंडागर्दी इन्होंने दिखाई। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम यहाँ से चले जाओ। संदीप, ले ये पैसे। और चाहिए तो बता देना।
यार यू तो जीवा भाई था, इस शहर का सबसे बड़ा बदमाश। ये कैसे पता? यार मैंने इसे कई बार कोठे पर आते जाते देखा है, अब तो संदीप से दोस्ती करने में फायदा है। यार तू तो बड़ा उस्ताद निकला, चल हम तुझे अपना दोस्त बना लेते हैं। ओए, अरे हट हट हट। आए, आए, अरे यू पुलिस वाला कहाँ था आ गया, ट्रैफिक वाला? अरे मरवा दिए रे। आओ चौधरी आओ। सर यू तो सारा नाम भी जाने, कहीं अमराज तो। अरे चुप तो रहो भाई, यू है लाइसेंस, कागज कहता हो तो कागज भी दिखा दूं। चौधरी मैं कागज नहीं, लाइफ इंश्योरेंस देखता हूँ। कौन हो तुम? ये बंदूक देख। हमें ना खरीदनी बंदूक, ये देखे इसका। खामोश, अब तो ये बंदूक देख, ये बंदूक करेगी जो इसे करना है। बंदूक? हाँ बंदूक, मैं यहाँ का खूंखार डाकू, डाकू राडार सिंह हूँ। डाकू तो हो पर डाकू? अरे डाकू है तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा के। खामोश। सर डाकू, बंदूक वाला डाकू। हाँ डाकू, शर्मा जी डाकू। सर डाकू मैं नहीं, डाकू राडार सिंह। भाई स्कूटर ले जा, डाकू भाई ले जा। सर स्कूटर तो मेरा है। ये आलतू फालतू चीजें मैं नहीं लेता। अरे भाई तो रुपए ले लो। शर्मा जी अपना बटुआ निकालो। सर बटुआ? सर इस महीने तो आपने तनख्वाह भी नहीं दी। शर्मा जी दिस इज माय ऑर्डर। खामोश, यहाँ सिर्फ मेरा ऑर्डर चलता है। हाँ भाई अगर गोली मारनी है तो शर्मा जी का मारो, 1000 रुपए ले लो। और प्रिंसिपल साहब का मार दो, चाहे 2000 ले लो। नहीं नहीं भाई, शर्मा जी का मार, मैं 3000 रुपए दूंगा। और मैं 5000 रुपए फालतू दूंगा। मैं 10 दूंगा भाई, 10 से थोड़ी। खामोश, बंद करो अपनी बकवास। हम क्या करें डाकू भैया? स्कूल से किसे निकाला? स्कूल से नहीं, हम तो कॉलेज जाते हैं। हाँ भाई कॉलेज। किसी को नहीं? सुभाष को भूल गया मेरे यार को। कौन? सुभाष मेरा यार, वो नालायक लड़का। खामोश, मेरे सामने ही नालायक कह रहे हो, दबाऊं घोड़ा? खड़ा, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर उसका नाम कट गया तो समझो तुम्हारा नाम दुनिया से कट जाएगा। पर नाम कहाँ कटा भाई, वो तो एक मजाक था। शर्मा जी आपने लिस्ट में तो उसका नाम तो नहीं काटा? सर लिस्ट तो आपके पास है। चुप शर्मा, लिस्ट तो आपके पास है। किसी के पास हो नाम नहीं कटना चाहिए, वरना मैं उल्टे लटका कर बहुत मारता हूँ, समझे? जी बिल्कुल समझ गए, उसका नाम नहीं काटना, जब हमारी नौकरी चली जा। बिल्कुल नहीं कटे। जाओ और पूरा ध्यान रखना। खामोश। हाय डाकू, दूसरा डाकू। नहीं नहीं पुलिस है, तो भागो, जल्दी भागो। अरे काम तो हो जाएगा नेता, पर जो खर्चा तन में जाओ बहुत। अरे जीवा भाई अभी अभी तो चुनाव जीता हूँ, पैर जमने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। अरे मैं नू कहूँ, चुनाव लड़ने से पहले तू बड़े बड़े मार रहा था, अब क्या हो गया? भाई कोई लड़का धारा से मिलना आया। के नाम है, पूछ क्या हो? संदीप बता रहा भाई। ठीक है उसे देख लिया। देखने था मुझसे कोई चला के मत करना, वरना खता खा जाओगे। भाई दिल खुश कर दिया संदीप, जो मिलन आ गया भाई। ये दोस्त है मेरे, ये थारा दोस्त, मैं इसका दोस्त, मतलब तुम भी हमारे दोस्त। ओए काले इधर आ, इन भाइयों के लिए खाने पीने का प्रबंध कर। अभी लाया भाई। अरे नेताजी ये मेरे दोस्त है,
और भाई भी ख्याल रखियो जो कभी कहीं मिल जाए। ठीक है, क्यों नहीं दीवा भाई, जरूर। अरे तुम बिन के साथ रहिए बालको। ठीक है भाई, कॉलेज में पढ़ते हो? जी हाँ, कॉलेज में पढ़ते हैं। एक के हाथ पांव तोड़ने हैं, मेरा काम कर दो, खर्चा पानी मिल जाए। सर मैं जाऊं? तुम यहीं बैठो। सर मुझे क्लास अटेंड करनी है। अरे भाई छुट्टी कर दो कॉलेज की। तो सर छुट्टी करने जाऊं? नहीं नहीं, तुम्हारे जाते ही सुभाष का साथी डाकू रडार सिंह आ गया तो। सर लिस्ट है ना, दिखा देना। नहीं नहीं तुम बैठो, ये सुभाष बेटा कहाँ रह गया? सर सुभाष। हाँ हाँ बेटे से क्या कम है? मैं आ सकता हूँ गुरुजी? सर वो आज कोई भी हो, मैडम की भी नो एंट्री। सर वो बेटा सुभाष। सुभाष वो डाकू सुभाष। सर मैं बाद में आऊंगा। आओ बेटा आओ। नहीं नहीं मैं बाद में आऊंगा। नहीं बेटा आओ आओ बेटा आओ। शर्मा जी जरा सीट छोड़ दो, बैठो यहाँ बैठो। देखो बेटा लिस्ट में सबसे पहले तुम्हारा नाम है, पढ़ो। पर गुरुजी मेरा तो फार्म ही जमा ना होया है। हाँ वो सब जमा हो जाएगा बेटा। मैंने बनाई लिस्ट, सबसे पहले तुम्हारा नाम लिखा है। बोलो बेटा क्या लोगे? गुरुजी मैं? हाँ हाँ ठंडा गरम गीला सूखा कुछ भी। पांडे चाय और समोसे लेकर आओ। सर आपको परमा मैडम बुला रही है। नहीं नहीं बुलाने दो, तुम जाओ। सर मैं जाऊं प्रभा जी से मिलने, पता नहीं क्या बात होगी। अरे नहीं नहीं तुम तो यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो। गुरुजी मेरा नाम तो चढ़ गया ना? हाँ हाँ चढ़ गया बेटा चढ़ गया, ये लिस्ट नहीं देखी। अच्छा गुरुजी मैं चलूँ अब। बैठो बैठो चाय समोसे आ रहे हैं। फिर कभी गुरुजी, घर आऊंगा, मेरा एक दोस्त है उसे समोसे बहुत पसंद है, उसे लेकर आऊंगा फिर खाऊंगा। अरे सुनो तो बेटा। सर ये क्या सुन रही हूँ मैं, डर गए आप उससे? मैं नहीं डरा, मैं उससे नहीं डरा, मैं तो बंदूक से भी नहीं डरता। बंदूक? हाँ हाँ मैं नहीं डरता, डाकू हो ये तो डरे, शर्मा जी डरे। मैं भी कहाँ डरूं, डाकू चाहे चार आ जा मैं के छोड़ दूं। कौन डाकू? फिर आपने क्या सुना? सर आपने कल वाले लड़के का नाम फिर से चढ़ा दिया। वो बस दो बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा था, मेरे पैर पकड़ के छोड़ दे नहीं, बस मेरे पे देखा नहीं गया, शर्मा जी भी रिक्वेस्ट करने लगे इसलिए चढ़ा दिया। सर मैं? शर्मा जी आप क्लास में जाइए। प्रभा जी आप बैठिए, आपके लिए समोसे मंगाए हैं। मेरे लिए? हाँ हाँ पांडे ने कहा कि आप ओपी से आ रही हैं इसलिए मंगा लिए। प्रभा जी आप मेरी बात सुनिए। शर्मा जी तुम भी खाओ खाओ तुम भी खाओ। सुनिए मुझे आपसे कुछ कहना है। आपने मुझसे कुछ कहा? प्लीज इधर आइए। व्हाई नॉट मैडम? तेरी तो निकल पड़ी यार गड्डी। उस दिन के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सुनिए आपने अपना नाम क्या बताया था? अभी मैंने अपना नाम ही कहाँ बताया है। मेरा नाम मीनाक्षी है। मेरा नाम जयंत है। सुभाष देखो बैठी बिड़ू के। तू ठहर मैं देख लूं पहले, ठंडी हो गया कभी भी गर्म है। ए ए यहाँ क्यों, तुझे क्या रहा दिखे? लगे तो कुछ ऐसा ही है, क्या बात है यही आके बता दे। खैर यह बात भी ठीक है, हमें आदत भी धोरे थे समझाने की है।
सुभाष भाई इसे ठीक से समझा लिए, बहुत फुद गया। अब बैठी रहेगी या खड़ी भी होगी? तुझे जो कहना है कह दे। उस दिन बड़ी झांसी की रानी बन रही थी। मैंने क्या गलत कहा? इतने सारों में मैं ही दिखा तुझे, और भी तो खड़े थे वहाँ। गड़बड़ तो तुमने ही की। अच्छा गड़बड़ मन ने करी, वे रिंगटे रिंगटे मेरे से फालतू बोल रहे, उन्होंने कुछ ना करा। दुनिया में तो एक तुम ही हो, और तो तुम्हें कोई दिखाई नहीं देता। अच्छा तेरा मतलब मैं भी लाइन में लगता। हाँ चल हम तो क्लास अटेंड करेंगे, कुछ लोग इसे कॉलेज नहीं अखाड़ा मानकर आते हैं। न्यू तो तू शेर बने फिरे जा, एक लड़की के सामने तेरी बोलती बंद होगी। अरे लेक्चर ही दिए जाओगे या क्लास में भी चलेगा? चल पढ़ाई करनी है। तू करेगा पढ़ाई। बच्चों आज हम तुम्हें हिंदी साहित्य पढ़ाएंगे। हमारी बात ध्यान से सुनिए और सोचिए। के सोचे गुरुजी? पहले मुझे ही सोच लें दे। नफरत में भी प्यार ढूंढ कर जो दिल को बहलाता है, सही अर्थ में इस दुनिया को वो ही प्यार सिखाता है। गुरुजी शेर बढ़िया था, एक और सुना दो। अबे उल्लू ये शेर नहीं हिंदी साहित्य की कविता है। अब रोज ऐसी क्लास होगी। मजा आ गया सर। मजा कहीं और ले लिए, यहाँ पढ़ी ले। चुप हो जाइए। वो इनकार भी करें तो इकरार समझना, वो इनकार भी करें तो इकरार समझना, वो तकरार भी करें तो प्यार समझना। एक पल में बदल जाती है दुनिया, जो दिल में बसा है उसे दिलदार समझना। मुझे ये कविता कौन सी किताब में, हमें भी बता दो। अरे मूर्ख ऐसा गूढ़ रहस्य लिए हुए जो कविताएं होती हैं, उन्हें हमारे सिवा कौन लिख सकता है। सर आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आप लोग बैठिए मैं अभी आया। आप कहाँ चले गुरुजी? नई कविता बनाने। अखियों से अखियां मिला ले छोरी, होए अखियों से अखियां मिला ले छोरी। ना जाइए तू रूठ के, ना जाइए तू रूठ के, ना जाइए तू रूठ के, अखियों से अखियां मिला ले छोरी, होए अखियों से अखियां मिला ले छोरी। प्यार करण का मौसम आया, तू क्यों भागे दूर रे, तेरे प्यार में पागल होके हुआ मैं तो मजबूर रे। आहा, 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 आहा। प्यार करण का मौसम आया, तू क्यों भागे दूर रे, तेरे प्यार में पागल होके हुआ मैं तो मजबूर रे। मैं तो तेरे पीछे डोलू, आहा ओहे, मैं तो तेरे पीछे डोलू सारे काम को छोड़ के। ना जाइए तू रूठ के, ना जाइए तू रूठ के, अखियों से अखियां मिला ले छोरी, ओए होए होए, अखियों से अखियां मिला ले छोरी। पग
पग में तेरे पायल बाजे दिल को कर दे घायल कमर पलम भी चोची ही लटके देख हुआ मैं घायल हाय 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 पग में तेरे पायल बाजे दिल को कर दे घायल कमर पे लंबी चोटी ही लटके देख हुआ मैं घायल मैं जट तेरा हुआ दीवाना होए 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 मैं जट तेरा हुआ दीवाना घर बार को छोड़ के ना जाइए तू रूठ के ना जाइए तू रूठ के अखियों से अखियां मिला ले छोरी होए होए अखियों से अखियां मिला ले छोरी हाय जैसी सूरत तेरी तारो जैसी आंखें हो जाए कमाल रगोरी कर दिल में तू झांके हाय चंदा जैसी सूरत तेरी तारो जैसी आंखें हो जाए कमाल रगोरी कर दिल में तू झांके हुआ मैं पागल हुआ दीवाना होए 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 हुआ मैं पागल हुआ दीवाना यू कहूँ हाथ जोड़ के ना जाइए तू रूठ के ना जाइए तू रूठ के अखियों से अखियां मिला ले छोरी होए 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 अखियों से अखियां मिला ले छोरी ना जाइए तू रूठ के ना जाइए तू रूठ के ना जाइए तू रूठ के अखियों से अखियां मिला ले छोरी अखियों से अखियां मिला ले छोरी राजेंद्र अपना पुराना फॉर्मूला निकाल वो देखने अपन छी अब राजेंद्र में वो बात कहां अच्छा ये बात है तो देख तू कहां चल दिया अबे यार टिंकी अभी आया बस इज्जत का सवाल है सुनिए कई दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ आप मुझे अच्छी लगती हो अच्छा आप मुझे कई दिनों से देख हाँ हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ हाँ हाँ बिल्कुल तुम झूठ बोल रहे हो नहीं तो ऐसा है मिस्टर आज मेरा कॉलेज में पहला दिन क्या समझे सुनिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ सब देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता अच्छा बाबा ठीक है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ पक्का पक्का बाबा पक्का ये देखा मेरा कमाल मान गए यार अच्छा भाई लोगों मैं तो चला कहाँ दिल खुश करने तू नहीं सुधरेगा तुझे टिंकी का जरा भी ख्याल नहीं आता तू कहना क्या चाहे तू नहीं जानता टिंकी तुझसे कितना प्यार करे देख यार उसका नाम बीच में मत ले जो मुझे चाहिए ना वो टिंकी नहीं दे सकती लेकिन सच्चा प्यार तो दे सकती है सच्चे प्यार का क्या मैं अचार डाल लूंगा संदीप भाई आप ही कुछ करिए सुपारी साले तो यहाँ सोया पड़ा मैं कमरा ढूंढता फिरूं ना यहाँ अपना सामान दिखाई दे रहा ना यहाँ कुछ ओढ़ने का एक ही कम्बल में सोना पड़ता दिखे आज तो चलो
तू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? ये मेरा कमरा है। अभी बताती हूँ किसका कमरा है। ये भी ले। ए, ए, क्या हुआ तुम्हें? हे भगवान, कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया? कहीं ये मर तो नहीं गया? कहीं मैं सचमुच तो नहीं मर गया? हाँ तो यार, सचमुच मर गया। आ रही है। लो पानी पियो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर ये मर गया तो? पहले से यहां से तो उठाऊं, कहीं कोई आ गया तो? ओय माँ, उफ, उफ, अच्छी आफत गले पड़ी है। हे भगवान। आउच, उफ, उफ, हे भगवान, कितना भारी है, इसे भी यहीं आके मरना था। उफ, होश में आओ। ए? मैं कहाँ हूँ? आया होश में। मैं कहाँ हूँ? तुम ठीक हो ना? बोलो, तुम ठीक हो ना? मुझे कुछ नहीं पता। रुको, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आती हूँ। क्या दूध ला रही है मेरी निया? बेचारी कितनी अच्छी है। आ रही है, मैं भी लेटता हूँ। लो दूध पियो। मैं ये दूध नहीं पी सकता। क्यों? ये दूध तो रामलाल का है। ये दूध किसी रामलाल वामलाल का नहीं है, ये मेरा है। सचमुच तुम्हारा है? हाँ सचमुच मेरा है। ठीक है, तुम्हारा है तो मैं पी लेता हूँ। अब तुम ठीक हो ना? मुझे ठीक हो के मरना आके? क्या कहा? मेरा सिर कहाँ है? ये रहा तुम्हारा सर। मेरा सिर कहाँ है? हे भगवान, अब इसे क्या हुआ? कहीं इसके सिर में ज्यादा चोट तो नहीं आ गई? तुम लेटे रहो, मैं तुम्हारा सर दबाती हूँ। मेरे पैर कहाँ है? अब पैर को क्या हुआ? मेरे पैर कहाँ है? हे भगवान, अब पैरों को क्या हो गया? तुम रुको, मैं तुम्हारे पैर दबाती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो। हाँ अब तुम ठीक हो ना? नहीं अभी मैं कहाँ ठीक हूँ। क्यों, अब क्या हुआ? अभी तो मेरे हाथ दर्द करेंगे, फिर तुम इन्हें दबाओगी, फिर मेरी कमर दर्द करेगी, फिर तुम उसे दबाओगी,
फिर तुम मेरे लिए एक गिलास दूध और लाओगी, मैं उसे पी जाऊंगा, तब मैं ठीक होऊंगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे ठीक हो जाओगे? एक चीज तो तुम भूल ही गए। वो क्या? अभी मैं एक डंडा लाऊंगी, फिर उससे तुम्हारा सर फोड़ूंगी, यू चीटर। कर ले सुभाष बेटा, तेरी सेवा पानी के दिन खत्म हुई है, अब तो खातर पानी शुरू होने वाली है। अभी बताती हूँ, मुझसे पैर दबाता है, मेरा सारा दूध पी गया, ज्यादा चालाक समझता है अपने आप को। पहले आप, पहले आप, लेडीज फर्स्ट। आई रे, फंसी तो फंसी। क्या कहा? खांसी। वो कई दिन से परेशान कर रखा है। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, वो डॉक्टर को ही ढूंढ रहा हूँ। यहाँ कॉलेज में? जी, ऐसी खांसी के डॉक्टर तो कॉलेज में मिलते हैं। मैं समझी नहीं। होता है, होता है। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अपनी क्लास में। सर, आप कहाँ चल दिए? आपका ही तो पीरियड है। हम जरा मिजाज बदल कर आते हैं। सुपारी, तू यही मौज ले, मैं अभी आया। तुझे के दिग्गा भाई? तू कहाँ चली? तेरा दिमाग खराब है? काश हो जाए। देख, मुझे ये सब पसंद नहीं है। ले, तू तो बुरा मान गई। गुरुजी तो कह रहे थे रूठो को ऐसे मनाना चाहिए। सारे काम दादागिरी स्टाइल में करता है। पागल को ये भी नहीं पता, फूल मारा नहीं जाता, दिया जाता है। यार, ये बात हमें पहले क्यों नहीं पता चली कि फूल मारा नहीं जाता, दिया जाता है। तात, क्या बात, छोरी माननी नी? अरे छोरी भी मानने की, तू ठंड रख। यादव जी, कैसे हो? बस सर, दुआ है आपकी। और घर पर सब ठीक ठाक? जी सर। आज प्रभा मैडम नहीं आई? मैडम तो आई हैं सर। फिर हैं कहाँ? प्रिंसिपल सर के रूम में मीटिंग चल रही है सर। हमारे बगैर? कुछ खास ही होगी सर। प्रभा जी, कैसा लगा मेरा ये प्रोग्राम? काफी अच्छा है। मुझे इसके बारे में आपसे एडवाइस लेनी है। आज रात को मैं आपके घर आ जाता हूँ। पर सर, यादव जी तो आज घर से बाहर जाएंगे, फिर कभी आना? घर पे नहीं है, ये तो और अच्छी बात है। क्या कहा सर? पर प्रभा जी, काम तो आपसे ही है। पर सर, अच्छा नहीं लगता। पर प्रभा जी, ये प्रोग्राम में लेट नहीं कर सकता। ठीक है सर, मैं जाऊँ। ठीक है, आज रात को मिलते हैं। यादव जी, आज शाम आप कहीं जा रहे हैं? जी हाँ सर, दो दिन के लिए। दो दिन? नहीं नहीं, गड़बड़ गड़बड़। क्या गड़बड़ है सर? यादव जी, मैंने अखबार में अभी अभी आपकी राशि पढ़ी है। सनी देव की आप पर बड़ी बुरी दशा चल रही है। अब मैं क्या करूं सर, मैंने छुट्टी की एप्लीकेशन भी दे दी। जाकर अपनी छुट्टी कैंसिल कराइए, आपकी राशि में स्त्री हानि का दोष बन रहा है। क्या? हाँ। मेरे बगैर मीटिंग, चुपके चुपके चीटिंग, घर जाने की तैयारी, मैं जानता हूँ चौधरी तेरी बीमारी।
मरना चाह रहा के मेरे सामने आना जरूरी है? तू साइड से ना निकल सकता। मतलब जिस साइड से हम चलेंगे उस साइड से चलेगा तू? तेरा टाइम खराब आ रहा है। ओ हीरो, जो केला ना है हम भी इसके साथ है। यार सुभाष, इसने तो अपना गैंग तैयार कर लिया है बिडू के। तू थम, ओए चल अपना रास्ता नाप। ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ से जा रहा था, इसे हटना नहीं चाहिए था। ये नहीं हट सकता, हमेशा कॉलेज को अखाड़ा बनाने को तैयार रहता है। या तो ये सब हरकतें छोड़ दे या मुझसे कभी बात मत करना। ओ सुन तो सही यार, या अच्छी पाबंदी लगी है। जा तेरा टाइम सही था आज, जा जा। यार तने देखा नहीं झगड़ा वो करना चाह रहा था? तूने अपनी तरफ देखा है कभी? क्लास में तो कभी नजर नहीं आता, तू कॉलेज में आता है किसी अखाड़े में? अच्छा यार, अब कभी झगड़ा नहीं करूंगा, वादा रहा। मुझसे दोस्ती रखनी है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। पता नहीं केक के छुड़वाओगी तू। घबरा गया? खैर घबराना तो हमने सीखा ही नहीं, पर डर ही हुआ कभी तू पीछे ना हट जा। मैं भी तेरे से कम ना हूँ। अच्छा यह बात है। तुमको जो पहली बार दिल हुआ मेरा बेकरार, देखा तुमको जो पहली बार दिल हुआ मेरा बेकरार, तुमसे प्यार हो गया, हाँ प्यार हो गया, तुमसे प्यार हो गया, हाँ प्यार हो गया। देखा तुमको जो पहली बार दिल हुआ मेरा बेकरार, देखा तुमको जो पहली बार दिल हुआ मेरा बेकरार, तुमसे प्यार हो गया, तुमसे प्यार हो गया, तुमसे प्यार हो गया, हाँ हाँ प्यार हो गया। इशारे हुए एक दूजे के हम सहारे हुए, हो हो आंखों ही आंखों में इशारे हुए एक दूजे के हम सहारे हुए, जीना हो गया दुश्वार दिल हुआ मेरा बेकरार, जीना हो गया दुश्वार दिल हुआ मेरा बेकरार, तुमसे प्यार हो गया, तुमसे प्यार हो गया, हाँ हाँ प्यार हो गया, तुमसे प्यार हो गया।
खुशबू फूलों से यूं आने लगी। खुशबू फूलों से यूं आने लगी। गाए हैं गीत मल्हार, दिल हुआ मेरा बेकरार। भवरे गाए हैं गीत मल्हार, दिल हुआ मेरा बेकरार। तुमसे प्यार हो गया, हाँ हाँ प्यार हो गया। तुमसे प्यार हो गया, तुमसे प्यार हो गया। देखा तुमको जो पहली बार, दिल हुआ मेरा बेकरार। देखा तुमको जो पहली बार, दिल हुआ मेरा बेकरार। तुमसे प्यार हो गया, हाँ हाँ प्यार हो गया। हाँ हाँ प्यार हो गया, तुमसे प्यार हो गया। तुमसे प्यार हो गया, हाँ प्यार हो गया। इसे मेरे सर पर रख दे। जी सर। ठीक है बच्चे, यादव जी को दे दे। सर उन्होंने तो आपके पास भेजा है। ला दिखा। इस अधूरे फार्म का क्या करूं? क्या कमी है सर? बाहर जाकर देख क्या कमी है। और सर कैसे हो? बस ठीक, तू सुना, लाया कुछ? हाँ सर, कुछ फार्म है। फार्म तो मुझे भी दिख रहे, कुछ और भी है? हाँ हाँ सर, वो भी है सर। ये आपके सर, फॉर्म में कुछ कमी हो तो वो मैं सब कर लूंगा। क्या है सर? ये काम पूरा कर लिया। देखता नहीं, लंच का टाइम है, बाद में आना प्लीज सर। कहा ना, बाद में प्लीज सर। अरे हट, कहीं देर ना हो जाए। शर्मा जी, बिना आज्ञा के ये ऑफिस में नहीं आना चाहिए। सर कुछ पूछना था। छुट्टी के बाद? सर आपसे नहीं, प्रभा मैडम से। मैडम से? अभी नहीं, बाद में। चलिए पहले अपने फॉर्म जमा कीजिए। आज होली है, हाँ। क्यों ना प्रिंसिपल साहब से पहले जाकर प्रभा से रंग भरी होली खेली जाए। हाँ चलता हूं। बुढ़िया लुगाई, बुढ़िया लुगाई मस्ताई फागण में। बुढ़े 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 लेवे अंगड़ाई फागण में, अंगड़ाई फागण में, अंगड़ाई फागण में, अंगड़ाई फागण में, अंगड़ाई फागण में। बुढ़िया लुगाई मस्ताई फागण में। बुढ़े बुढ़े लेवे अंगड़ाई फागण में। होली में अति देखावे यादवनी रे, होली में अति देखावे यादवनी रे। फागण मस्त महीना बैरी रुत आवे मस्तानी रे, फागण मस्त महीना बैरी रुत आवे मस्तानी रे। बुढ़े 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 बांटे बालू शाही फागण में।
गुड़िया भी घाले सुरमा शाही फागण में गुड़िया लुगाई मस्ताई फागण में गुड्डे भी लेवे अंगड़ाई फागण में गुड़िया लुगाई मस्ताई फागण में गुड्डे भी लेवे अंगड़ाई फागण में नई नई कलियों पे आया है निखार सा हाँ नई नई कलियों पे आया है निखार सा घबरों के दिल में भी छाया है कुमार सा घबरों के दिल में भी छाया है कुमार सा मिटती है सबकी तन्हाई फागण में प्यार की बजश है नई फागण में है जब पुरवाई फागण में प्यार ले वह अंगड़ाई फागण में दुनिया में दिल के ऊपर किसी का भी जोर नहीं याद आवे नणंदी का भाई फागण में डर लगे सास की जाई फागण में अंगड़ाई फागण में अंगड़ाई फागण में अंगड़ाई फागण में अंगड़ाई फागण में बुढ़िया लुगाई मस्ताई फागण में बुढ़िया लुगाई मस्ताई फागण में बुढ़े बुढ़े ले वे अंगड़ाई फागण में फागण में मंचलों की घूमती बारात है होली का बहाना गले मिलने की बात है होली का बहाना गले मिलने की बात है सारे गठे हो जा हर जाए फागण में बरसों की मिट्टी है जुदाई फागण में शहनाई फागण में शहनाई फागण में शहनाई फागण में शहनाई फागण में चलती है जब पुरवाई फागण में जो बन ले वे है अंगड़ाई फागण में चलती है जब पुरवाई फागण में प्यार ले वह अंगड़ाई फागण में बुढ़िया तो खावे रसमलाई फागण में बुढ़े भी करे है अंगड़ाई फागण में 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 बुढ़िया लुगाई मस्ताई फागण में बुढ़े बुढ़े ले में अंगड़ाई फागण में बुढ़िया लुगाई मस्ताई फागण में बुढ़े बुढ़े ले प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल पोलियो दिवस है और इस नेक काम के लिए हमारे कॉलेज को चुना गया है जो मेरे सामने उपस्थित है कि हम देश के बच्चों को दवा पिलाकर पोलियो जैसी भयंकर बीमारी को खत्म कर सके। और मैं चाहता हूं
कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसमें भाग लें। गुरुजी हमें ना इसकी जरूरत। शांत रहिए आप लोग, भारत सरकार को आपकी जरूरत है, और बच्चों ये आपका देश के प्रति भी फर्ज है। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलिए बेटा। सर सरकार का ये प्रयास बहुत अच्छा है, प्रत्येक कॉलेज में पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी की जानकारी देनी ही चाहिए और सभी छात्रों को मदद के लिए आगे आना चाहिए। शाबाश बेटा बैठो, और जो जो इसमें भाग लेना चाहते हैं वे अपना हाथ उठा लें। आप सब लोग कल तक एक लिस्ट बना लें और शर्मा जी को दे दें। धन्यवाद। अबे जीवन में एक तो भलाई का काम कर ले। भलाई का काम करने के लिए कॉलेज में तू और लंगड़ाई भते रहे हो। क्या नाम है तेरा? अबे नाम ही तो पूछ रहा हूँ। सुभाष मलिक। मेरा नाम जयंत है, मुझसे दोस्ती करोगे? चल तू भी क्या याद करेगा, कर लेते हैं। हाँ आज तू भी भिड़ ले। चल दोनों कैंटीन में चलते हैं। चलो तुम चलो यार, मैं अभी एक मिनट में आया। अब क्या हुआ, तू नहीं जा रहा ना कैंप में? हम क्या करेंगे कैंप सैंप में? कभी कोई अच्छा काम भी कर लिया कर। हम तो न्यू जाना है कि हम सारे काम अच्छे ही करें। ये सब तू कोई अच्छा काम नहीं करता तो और अच्छा काम के हो? अच्छा काम तो ये है कि तू कल मेरे साथ पोलियो कार्यक्रम में जाएगा। चल तू कहवे तो चल पड़ेंगे। बात तो ऐसे करे जैसे मेरी सारी बात मान। अच्छा मानता ना हूं के? तुम्हें कैंप में चलना है समझ गए? बस तेरी गैल तो मैं कहीं भी चल सकूं। तू ज्यादा मत फिका कर। कल कैंप में चलना सबे? ये क्या? यार वार कुछ नहीं, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। वो है ना, और आ जयंत, तेरी बात मान ली, हम सब भी चलेंगे। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ हाँ शर्मा जी बैठिए, क्या लोगे? मतलब सर? अरे मतलब क्या, क्या खाओगे क्या पियोगे? अरे कुछ भी मंगवा लीजिए सर। पांडे, अरे पांडे। जी सर। पांडे चाय बिस्कुट लेकर आओ। अच्छा शर्मा जी मैं चलता हूँ। अरे सर जी आप कहाँ चले? आप बैठो, चाय लो, बिस्कुट लो, और कॉलेज देखना, मैं अभी आया। पर आप कहाँ जा रहे हैं सर? शर्मा जी आप नहीं जानते प्रिंसिपल बनना कितना खराब है, कभी यहाँ आओ कभी वहाँ जाओ, आज पोलियो कैंप भी है, मुझे मैडम प्रभा जी के साथ भी जाना पड़ेगा। सर वहाँ तो मैं जा रहा हूँ, मैंने तो अपना बैग भी गाड़ी में रखवा दिया। आप यहीं रहेंगे, वहाँ सरकार की ओर से कुछ आदमी आ रहे हैं, मुझे उनसे भी मिलना है। सर वो तो कल यहाँ आएंगे रिपोर्ट लेने। वो आ जाएंगे सर, वो कल आएंगे। अरे मैं जाऊंगा सर, मैं जाऊंगा। प्रिंसिपल मैं हूँ सर, इस कैंप का इंचार्ज मैं हूँ। सर ये यादव जी के केबिन की चाबी है। वो कहाँ गए? वो तो पोलियो कैंप में गए हैं। किसके साथ? प्रभा मैडम के साथ गए हैं।
नमस्ते, आपके यहाँ कोई 5 साल से छोटा बच्चा है? पोलियो की दवा पिलाने आए हैं। नमस्ते जी। हाँ हाँ, आ जाओ पास आओ। आपके यहाँ कोई 5 साल से कम उम्र का बच्चा है? सभी आइए। और कोई है तो उसे भी ले आइए। अरे ये तो पी लेता है चुपचाप। और है तो कोई ले आओ। अरे क्या कर रहे हो, तुझे कुछ पता भी है या ऐसे ही पिलाता फिर रहा? अच्छा पता नहीं है तो मैं बावड़ा हूँ जो इतनी दवाई पिलाता फिर रहा हूँ। तुझे पता भी है पोलियो का एंटीवायरस 0 से कम डिग्री तापमान में जम जाता है और 4 डिग्री से अधिक तापमान में वो मर जाता है। अरे वाकई गलती होगी भाई, यह बात तो हमें किसी ने बताई नहीं। इसलिए तो कह रही हूँ 3 बच्चों को पिलाने के बाद इस दवाई को इस बॉक्स में डाल लिया कर और दूसरी पोलियो की बोतल निकाल के उससे पिलाया कर। आप सब लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि जब भी पोलियो की दवा पिलाएं उस दवाई की ठीक ठाक से जानकारी ले लें, ठीक है? क्या बात है, आज सबके चेहरे पे बड़ी रौनक है। पोलियो की दवाई बच्चों को पिलाई या खुद पी ली? पता नहीं ये दवाई का असर था या किसी और चीज का। देखा नहीं, कल मुर्गे हमारे साथ साथ इस औरों पे कैसे नाच रहे थे। भाई ये बात तो है, कल किसी ने चू तक नहीं की। पता नहीं मेरे वाले को क्या मतलब है, वो तो समझता ही नहीं है। इन लड़कों को तो जरा से ढील दो और गए हाथ से। अच्छा जी, सब ऐसे ही बोलती है। सब तेरे वाले की तरह थोड़ी ना होते हैं। सचमुच आज दिल बड़ा खुश है। कल मैं ठोकर खाकर गिर पड़ी। कहीं चोट तो नहीं लगी? लगी यार, इस दिल पर।
पंख जैसे तितलियां, चलूं मैं इस राह में हूं मस्त जैसे कश्तियां, अदाओं में है बिजलियां, मैं शोख जैसे तितलियां, चलूं मैं इस राह में हूं मस्त जैसे कश्तियां, सहेली मेरी ये जमीन है, दोस्त मेरा आसमां है, बोलो मैं अकेली हूं कहां, हर कहीं है चली अनोखी मेरी दास्ता है, मेरा अपना रास्ता, दुनिया से क्या वास्ता, मैं बड़ी ही मन चली अनोखी मेरी दास्ता, चार दिन की जिंदगानी छोटी सी है कहानी, आज हूँ यहाँ तो कल वहाँ, हर कहीं है बड़ा मुस्कुरा रहा है, क्या हाल है तेरे कोठे वाली के? मत पूछ यार, बड़ा मजा आया, तू भी चल किसी दिन मेरे साथ, तबीयत खुश कर दूंगा। अरे यार ये सब तुझी को मुबारक हो, जो तुझे सच्चा प्यार करती है उसे तो तू पूछता भी नहीं। यार तू मेरा मूड मत खराब कर, एक दिन बड़ा पछताएगा तू। अगर यही बात करनी है तो मैं चला। यार ठीक है चल, मैं तुझे एक लड़की पटाके दिखाता हूँ। लगी 500 रुपए की? ठीक है देख मेरा कमाल। माफ कीजिए, मेरा नाम राज है। क्या करूं? मैं आपको पसंद करता हूं। नहीं करती।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ये आप क्या कर रहे हो, इतने बड़े होकर रो रहे हो? बड़ा हूँ इसीलिए तो तुम्हें प्यार कर रहा हूँ और तुम्हें याद करके रो रहा हूँ। तुमसे आशिक पहली बार देखा है? मतलब आपके और भी आशिक हैं? अरे मेरा मतलब ये नहीं था। ले यार जीता शर्त, ये पकड़ 500 रुपए। व्हाई डू मीन? होता है मैडम होता है। आदित्य तुझे छोड़ूंगा नहीं, कहाँ भाग रहा है? नमस्ते सर, आइए आइए सर। कैसे हो यादव जी? सर आपकी दुआ है, बैठिए बैठिए सर। सर कुछ चाय ठंडा लेंगे? नहीं कुछ नहीं। तो आप बैठिए सर, मैं जरा अभी आता हूँ। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। मैं चाय के लिए बोलकर आता हूँ। सर आए हैं, इनके लिए जरा चाय बना दे। प्रभा जी, आज मैं आपके घर आ ही गया। आज आप कॉलेज नहीं आई और ना ही यादव जी आए। मैंने सोचा मैं ही मिलता चलूं। नहीं नहीं, आप काम करिए, मैं देखता हूं। अच्छा शर्मा यहां भी, अब क्या करूं। प्रभा जी, यादव जी, कोई नहीं। अच्छा शर्मा के बच्चे यहाँ भी। प्रभा जी आपका दरवाजा भी कमाल है। अपने आप खुल जाता है। आज आप कॉलेज नहीं आई तो सोचे आपसे मिलता चलूं। शर्मा जी आप यहाँ कब आए? आप कब आए? नहीं मैं अभी आया हूँ। हाँ चलिए। मैं जरा दरवाजा बंद करिया। तो शर्मा जी कैसे आए? बस मैडम से मिलने चला आया। और आप? बस यादव से मिलने आया था। मैं देखूं। अरे शर्मा जी आप बैठिए, मैं चेयर लेके आता हूँ। अरे भाई चाय ले आओ। प्रभा जी कहाँ है? वो तो 2 दिन के लिए कहीं बाहर गई हैं। मुझसे बिना पूछे? सर मैं कॉलेज नहीं आया इसलिए बता नहीं पाया। और आप क्यों नहीं आए? सर मंचली की समस्या का समाधान करना था कुछ। भाई ऐसी क्या समस्या थी? सर वो मत पूछो, वो मेरी प्राइवेट बात है। क्या?
यार सुभाष, ओ सुभाष, अरे सुभाष यार, पता नहीं क्यों लड़कियां मेरे धोरे आते हुए घबरा गए। तू नमूना ही ऐसा है। तू यार मेरे में क्या कमी, उसे देखे राजेंद्र को, वो कैसे फटाफट लड़की पटावे। कोई कुछ भी करे तुझे क्या मतलब, तू रुक मैं भी आया। कल कैसे ना आई? मैं कल ही नहीं आई और तू कल ही लड़ बैठा। मैं किससे लड़ा? मैंने सुना तो समर से झगड़ा। खैर उसे तो मैं किसी दिन सुधारूंगा, पर तू नहीं बता तुझे यह झूठी खबर किसने दी? मुझे तेरा ही डर लगा रहता है। ठीक है तो मत बोल ले। तुझे तो समझा भी नहीं सकते। इतनी मैं तेरी सुनू ना, उतनी तो अपने बाप की भी ना सुनता हूँ। पूरा सैया कहाँ माने ना, मेरी दिल की दवा जाने ना। पूरा सैया कहाँ माने ना, मेरी दिल की दवा जाने ना। हो इतना तड़ोले मोर पिरतिया, डोले मोर पिरतिया, काहे पहचाने ना, काहे पहचाने ना मुरा सैया, मुँह से ओह।
नजर से बदरवा रही रही आंखें बहावे कजरवा रही रही आंखें बहावे कजरवा काहे मोरी पीर जाने ना काहे मोरी पीर जाने ना मोरा सैया कहाँ माने ना मोरा सैया कहाँ मैंने तुम लोगों को कहां कहां नहीं ढूंढा और तुम लोग यहां बैठे हो थक गया हूं बहुत आदित्य क्या हुआ तुझे अरे आदित्य क्या हुआ तुम्हें लगता है बेहोश हो गया अरे अब क्या करें चलो इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं क्या रिपोर्ट आई है डॉक्टर साहब मेरे इसकी ब्लड रिपोर्ट से तो पता लगता है कि इसको एड्स ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है मेरी रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती आपको शायद पता है एड्स कैसे फैलता है बोलो कहां जाते हो कहीं नहीं झूठ बोलने से अब कोई फायदा नहीं अब क्या होगा डॉक्टर साहब अब तक तो इसका कोई इलाज नहीं यार ये मैंने क्या कर लिया अपनी जिंदगी खुद ही खराब कर ली अब जीकर क्या करूंगा इस जिंदगी से तो मौत अच्छी तो पहले क्यों नहीं सोचा था मैं जा रहा हूं और आज के बाद कभी लौट कर नहीं आऊंगा कहां जाएगा पता नहीं पर मौत तो एक दिन आनी ही थी तो आज ही सही तेरा टिंकी के बारे में क्या ख्याल है मैं तो उसके लायक नहीं यार मैं तो तुम्हारी दोस्ती के लायक भी नहीं हूं मुझे मर जाने दो हंस लो यार हंस लो जो गुनाह मैंने किए हैं उसकी सजा तो मुझे ही भुगतनी पड़ेगी तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कहते हैं पश्चाताप के आंसू हर एक पाप को धो देते हैं समझ ले तेरा एड्स भी खत्म क्या ये सब संदीप भाई की चाल थी तुझे सुधारने के लिए डॉक्टर को भी इन्होंने ही बोला था ये जिंदगी तेरी अमानत थी संदीप भाई जो तूने मुझे बचा लिया मैं जा रही हूँ तुम्हें तो अच्छी नहीं लगती तुम्हें तो ज्यादा मॉडर्न लड़कियां पसंद है पसंद थी टिंकी पर अब नहीं तुम तो वैसे ही बहुत सुंदर हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ क्या कहा तुमने हाँ टिंकी मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ राजिंदर देख नई मुर्गी अब देख मेरा कमाल फिर तुम मेरे पीछे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं जी सकता जरा इसे भी देख ये भी तेरे बिना नहीं जी सकती अब तू किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा भाई चक्रेश भाभी कैसी है
क्यों बे, जब मेरी शादी नहीं तो भाभी कैसी? यार मैंने तो मजाक किया था, बुरा लगा तो माफ कर दे। यहाँ से चला जा वरना अच्छा नहीं होगा। जरा हाथ लगा के दिखा, हाथ जड़ से उखाड़ दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत? अरे क्यों लड़ रहे हो? आज की झाड़ रहा है साला। किसके हाथ उखाड़ रहा है? मेरे तक कह रहा हो? इसकी इतनी हिम्मत? पांच साल के बोल भिड़ू के करेगा। अरे भाई क्यों लड़ रहे तुम? इब हमें यार एक साथ रहना। ठीक है तेरी बात मान लेता, पर ये सुभाष बड़ा उठपटांग बोल रहा है, जरा से देख लूं। तू देखेगा मुझे? आजा फिर। अरे यार ये फिर लड़ा लगे तुम दोनों भाई के दरिया लड़ाई झगड़े में। यहाँ तक जाने के बाद एक दूसरे को याद करा करोगे तुम? चलो यार सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे माफ कर दो। चल माफ किया। सुभाष छोड़ भी दे गुस्सा, चलो दोस्ती करो सब, चलो हाथ मिलाओ दोनों। ठीक है अब हम सब दोस्त हैं। आज शाम को सबको मेरी तरफ से पार्टी। क्या बात है, सारे एक साथ? तुम सबको भी आना है। हमें भी? तुम्हारी कोई सहेली हो तो उसे भी ले आना, मैं भी आऊंगा। बेधड़क हम दोनों बेधड़क है, बेधड़क है, बेधड़क हम दोनों बेधड़क। पक्का ये इरादा है, संचलने का वादा है, हमसे बढ़कर कौन यहाँ। बेधड़क है, बेधड़क हम दोनों बेधड़क है, बेधड़क बेधड़क हम दोनों बेधड़क। हंसते गाते मौज मनाते हम मस्ती में चलते हैं, हमको है परवाह नहीं गर दुनिया वाले जलते हैं। ओए कम ऑन बेबी कम ऑन हे। हंसते गाते मौज मनाते हम मस्ती में चलते हैं, हमको है परवाह नहीं कर दुनिया वाले जलते हैं। हम चाहे तो दुनिया बदले हमको चैन कहाँ। बेधड़क है बेधड़क हम दोनों बेधड़क है, बेधड़क है बेधड़क हम दोनों बेधड़क। सच्चाई की राह अपनी है पर आँखों में शोले है, जब हमारा खून खोले दुश्मन का दिल डोले है। सच्चाई की राह अपनी है पर आँखों में शोले है, जब हमारा खून खोले दुश्मन का दिल डोले है। जितने बाजू उतने सर है, पक्का है ईमान। बेधड़क बेधड़क हम दोनों बेधड़क है, बेधड़क है बेधड़क हम दोनों बेधड़क।
राम कहो सो कहो रहीम, कुदरत के सब बंद है। आज का इंसाना देख रहा कुछ हो रहे धर्म के अंत है। राम कहो सो कहो रहीम, कुदरत के सब बंद है। आज का इंसाना देख रहा कुछ हो रहे धर्म के अंत है। अलग अलग है भाषा अपनी, फिर भी एक है जान। बेधड़क है बेधड़क हम दोनों बेधड़क है, बेधड़क है बेधड़क हम दोनों बेधड़क। मन्ना मारा यार, चक्रेश तेरी गलती है, चल भाई माफ कर दा भाई। यार समर ये तो माफी नहीं देते। माफी तो देनी पड़ेगी। अबे साले ऐसी भी कहना नाराज किया, माफी दे देना। क्या हुआ, क्या हो रहा है यहाँ? यार सुभाष ये माफी नहीं दे रहे यार। भाई माफी दे, जम जाओ। किसको दी सुभाष? भाई मुझे तो दी नहीं, बिल्कुल नहीं दी। भाई मेरे पास भी ना, तलाश ले लो पैसा। ओए माफी दे, क्या समझा? सालों को 4 किलोमीटर से इन्होंने परेशान किया है, ट्रक बेचते हैं। शाबाश बच्चों, तुमने बड़ी बहादुरी का काम किया है। इंस्पेक्टर साहब ये तो हमारा फर्ज था। मगर ये बताओ तुम कौन हो? स्टूडेंट है सर, कॉलेज से आया, अब घर जा रहे हैं। ये लो ठीक है बच्चों, ले चलो इन सालों को। जीवा भाई नेता का आदमी आया है। आने दे। बोल चंदीप क्या खाएगा? कुछ नहीं। क्या हुआ तेरे नेताजी को? जीवा भाई नेताजी ने फोटो और ये कुछ एडवांस भेजा है। करना क्या है? फोटो जलाने, बाकी आप समझ जाइए। ठीक है समझ गया, तू जा। ठीक है जीवा भाई। संदीप तू बैठ, मैं कुछ इंतजाम कर जाता हूँ, चलो मेरे साथ। ऐ सुभाष, जयंत, समर, चक्रेश। अच्छा तो नेता ने इन्हें मारने की सुपारी दी है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, पर मैं भी क्या करूं। यस सर। तेरा प्रभान मैडम को बुलाओ। पांडे क्या हुआ? सर वो प्रभा मैडम को बुला रहे हैं।
प्रभा जी, आप मेरी बात को मने मत कीजिएगा। कहिए सर। बैठिए। ये क्या है सर? बैठ जाइए। कल मेरा जन्मदिन है, आपको आना ही होगा। ठीक है सर, इस बहाने भाभी जी से भी मिल। तो नहीं है? नहीं है जी। वो है, आप आइए तो सही। प्रभा जी सुनिए। कहिए सर। प्रभा जी, आपको मेरी ये बात तो माननी ही पड़ेगी। क्या सर? कल मेरा जन्मदिन है और आपको घर पर आना ही होगा। पर सर, कल तो प्रिंसिपल सर का जन्मदिन है। क्या? उनका जन्मदिन तो 1 अप्रैल का है। पर उन्होंने तो कल ही कहा था। मैं बात करता हूँ। आइए शर्मा जी। सर, कल आपका जन्मदिन है। किसने कहा? प्रभा मैडम कह रही थी। हाँ हाँ, कल ही तो है। पर सर, पिछले साल तो आपने 1 अप्रैल को मनाया था। मेरी बीवी साल में एक दिन तो अपने घर जाती है, बस उसी दिन मना लेता हूँ। क्या कहा सर? वो मेरी मर्द, मेरा जन्मदिन मैं कभी भी मनाऊं। कल मेरा जन्मदिन है। कल मेरा जन्मदिन है, तुम कभी फिर मनाना। सर, आप कभी और मनाना। शर्मा जी। चौधरी जी। क्या बात है यादव? सर, ये छुट्टी की एप्लीकेशन थी जी। छुट्टी की? हाँ सर, कल मैं और प्रभा जी कॉलेज नहीं आएंगे। क्यों? सर, कल मेरा जन्मदिन है। हाँ बोलो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बात ही कुछ ऐसी थी। क्या बात थी बोलो? निम्मी, मैं तुम्हें बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? पहले ये बताओ, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? निम्मी, तुम कपड़े बहुत अच्छे पहनती हो। और क्या? और जब तुम बात करती हो तो अच्छा लगता है। जब तुम हंसती हो तो फूल से खिलते हैं। अच्छा, और क्या? और आई लव यू। मैं जानती हूँ, पर क्या तुम भी जानते हो? क्या? आई लव यू। तू यहाँ बैठी है, मैं सारे में ढूंढ आया। क्यों, ऐसे क्या आफत आ गई? कुछ लेना था तेरे से। बोल क्या चाहिए? गुरुजी वाले नोट्स हैं। तू क्या करेगा उनका? पढ़ूंगा। अच्छा, अब पढ़ने वाला बन रहा है तू? ना जीवन दे हमें, ना पढ़े तो पढ़ते, ना पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा बाबा, अब नहीं बोलती। ले ये नोट, संभाल के रखना। ये क्या है? फूल है। और क्या है? मेरे लिए लाया तो तेरी नहीं आई था। तुझे पसंद ना हो तो किसी और को दे दूंगा। क्या कहा? कहा क्या, तू कुहावे, जब तुझे पता है सारी। सही सही बता, क्या कहने आया था? कहना तो बहुत कुछ था। अब कह दे। क्या अभी भी कुछ कहने की जरूरत है?
कौन हो तुम लोग? समर, समर, समर मेरे भाई, क्या हुआ तुझे? समर, 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 समर मेरे भाई। आखिर क्या करूं? सब कुछ पता है, फिर भी अपने दोस्तों को नहीं बचा पा रहा हूं। अगर मैं उनको समझाऊं वो क्यों मानेंगे मेरी बात? कहीं जीवा से ना उलझ बैठे, वो सबको मार डालेगा। मुझे कुछ करना होगा, बस यही रास्ता बचा है। जीवा मुझे माफ करना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। आओ संदीप, आओ बैठो। ये क्या लाए हो? मेरा जन्मदिन भूल गए?
अरे बाप रे, मैं तुम्हारा जन्मदिन भूल गया। बोल मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए। अरे क्या हुआ? बस जीवा भाई, तेरा प्यार देख के अंखुमास सो आ गए। दिल नू करे तजे ही देखता रहूं। वो सब तो ठीक है, तू सजा बता। बस मेरा तू तया मिठाई खा लो। तेरी तो सजा भी बड़ी प्यारी है, तू चाहे हजार भी खिला दे वो भी खा दे। सोच लो। सोच लिया मेरे यार। नेताजी को भी खिलाना, आज मेरा उपवास है जीवा भाई। चलो रे, तुम भी मुंह मीठा करो। अच्छा मैं चलूं। तू नहीं खाएगा क्या? तुमने खा लिया, मेरे लिए काफी है। अपना ख्याल रखना। ये क्या हुआ मुझे? नेताजी एम्बुलेंस बुला। लगता है संदीप की कुछ चाल है, उसने मिठाई में जहर मिला दिया है। पहले हमें बचा नेता। मुझे किसी नए लपड़े में नहीं पड़ना नेता। अच्छा हुआ तू मर गया, मेरे लिए अब तो सिर दर्द बन चुका था। अब तो उस लड़के को देखना है और उसके साथियों। ये फोटो देखो, तुम्हें इसका काम तमाम करना है, समझे? और ये जरूर कॉलेज के आसपास मिलेगा। मैं जीवा नहीं हूं संदीप, नेता हूं नेता। शतरंज कैसे खेली जाती है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। नजर हमेशा राजा पर रहनी चाहिए, राजा पर। अरे क्यों रहे हो? अरे कौन है ये लोग? संदीप, क्या हुआ? संदीप, संदीप रुको, संदीप रुको, कौन हो तुम? रुको, अरे रुको रुको साड़ो। संदीप, संदीप तू ठीक है ना? संदीप, संदीप बोल मेरे दोस्त। संदीप, पर इन्होंने इसे मारा क्यों? जल्दी करो, खून बहुत बह गया है, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। ऐसे है, अगर सुबह तक इनका हार्ट बीट नॉर्मल रहा तो ठीक रहेगा, वरना इनको कुछ भी हो सकता है। प्लीज आप जरा इनसे बात कीजिएगा, ठीक है? ठीक है। आदित्य इधर तो आ दोस्त, मेरे काम कर दे। तू बोल तो सही, बचा ले अपने दोस्तों को। उन्हें क्या हुआ? ये नेता के आदमी थे जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। पर क्यों? इन्होंने समर को भी मार डाला। उनकी गाड़ी और आदमी पकड़वाए थे ना तुमने, और उसकी सजा तुम्हें मिल रही है। जीवा ने तुम्हें सबको मारने की सुपारी ली थी। पर जीवा को तो तुम रोक सकते हो। मैंने उसे रोक दिया, मार डाला मैंने उसे। तुमने जीवा भाई को? यार तू मत बोल, तुझे डॉक्टर ने मना किया।
तू मुझे बोलने दे यार, तुम जल्दी जाओ और उन्हें बचा लो। और तू यहाँ अकेला रहेगा? मैं इसके साथ हूँ, तुम लोग जाओ। जाओ जल्दी जाओ। यार सुभाष, ये समर कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ यही मैं सोच रहा हूँ, चल आज उसके घर चलते। पर हमें तो उसका घर भी नहीं पता। सुभाष सुभाष सुभाष, ये दोनों भाग के आ रहे हैं, जानते होंगे उसका घर। सुभाष सुभाष। हाँ रे, के बात है, थारे पीछे का सांड भाग लिया जो सर पे पांव धर के भाग रहे। सुभाष भाई वो। हाँ हाँ बोल बोल। सुभाष भाई वो संदीप। हाँ हाँ बोल संदीप, क्या के होया? ठीक है, मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूँ और तुम भी आ जाओ। मैं भी साथ चलूंगी। तू क्या करेगी? मैंने कहा ना मैं चलूंगी। ठीक है। क्या कहा था तुमने? संदीप को मार डाला? अबे हराम जादो, वो बच गया। जाओ उसे लेकर आओ, हम अपनी आंखों के सामने उसे मारेंगे। ठीक है सर। हो सकता है उसके दोस्त भी उसे बचाने यहाँ आए, उन्हें भी यही खत्म कर देंगे। एक तीर से दो निशाने होंगे। जाओ जल्दी जाओ। मुन्ना, संदीप कहाँ है? उसको उसको नेता के गुंडे उठा के ले गए। नेता के गुंडे? हाँ नेता के गुंडे। अच्छा, लगता है उस नेता का काम तमाम करना पड़ेगा। उसने मुझसे मेरे दोस्तों को छीना है, मैं उससे उसकी जिंदगी छीन लूंगा। प्लानिंग तो तूने अच्छी बनाई थी, पर अफसोस कि मैं तेरी प्लानिंग समझ। मैं चाहता तो जीवा को बचा सकता था, मगर मैं चाहता था कि जीवा मारा। मेरा वो काम तूने किया। मारो इसे और मारो। मुझे मारने चला था? हसले नेता, आज के बाद तजा सुना तो के रोना भी नसीब नहीं होगा। अफसोस कि तू ये देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा कि कौन रोता है कौन हंसता है। आइए आइए, आपके बगैर तो ये महफिल अधूरी थी। ठहरो ठहरो, इतनी जल्दी भी क्या है? शैतान को जितनी जल्दी ऊपर पहुंचा दिया जाए उतना ही अच्छा होता है। ऊपर ऊपर तो मैं तुम सबको पहुंचाऊंगा, तुम्हारी कमी थी तुम भी आ गए। अब मैं आ ही गया हूँ तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाने था। याद कर ले जिसे करना है, कि तेरे ये भाड़े के रक्षक भी आज तुझे नहीं बचा सकते। सबसे पहले इसी को मारो। ये राजनीति का अखाड़ा नहीं नेता, जहाँ तेरी चाल चल सके। आज सुभाष से तेरा सामना हुआ है, आज तो तुझे मरना ही पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं मरने वाला। हाँ
आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम बच्चों ने इन बदमाशों का सामना करके इनको पकड़ा। सर ये ले चलो इसको। थैंक यू बच्चों। आज हमारी दोस्ती ने एक मिसाल कायम की है। ये तो है, लेकिन मुझे आज एक बात मालूम पड़ी है कि जिंदगी में कभी कभी अनाड़ी भी काम आ जाते हैं। मुझे भी आज एक बात मालूम पड़ी है कि जिंदगी में कहीं भी लड़की भी काम आ सकती। वो कैसे? वो ऐसे कि कई गुंडे लड़ रहे थे मेरे साथ, और अगर सारे एक साथ लड़ते तो मैंने कैसे पीटता? कईयों का ध्यान तो तुम्हारी तरफ था, इसलिए मैंने उन्हें पीट दिया।